हाँ जय माता दी। और सुनाओ आप सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सही सलामत से होंगे। अब माँ भगवती से यही कामनाएं करता हूँ, आप लोग जिधर भी रहो उधर खुश रहो। चले दोस्तों, तेली का खोपड़ी, तेली का हड्डी को बिना मंत्र का उसको सिद्धि कैसे करेंगे, इच्छा के अनुसार से दोस्तों कैसे कार्य उसे कराएंगे दोस्तों, आज मैं बताऊँगा दोस्तों। गुरु का कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों उसे काम लेने के लिए, क्योंकि कितना साधक के पास वो जो तेली का खोपड़ी हो, मुंड भी बोला जाता है, और कितना आदमी उसको नली भी बोला जाता है, और तेली का हड्डी भी बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो बिना गुरु का और बिना मंत्र का दोस्तों उससे इच्छा के अनुसार से दोस्तों जो भी कार्य आप लोग आसानी से ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। बशर्ते बात जो मैं तरीका में बताऊँगा, जो विधि विधान बताऊँगा दोस्तों, वो हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। फिर क्या होगा दोस्तों, वो आसानी से दोस्तों आपको कार्य करेगा, कोई झमेला उसमें नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आप लोग के ये सब विधि विधान दोस्तों पता नहीं रहता है, अपने मन से जब उसको ज़्यादा प्रेशर देते हो दोस्तों, या ज़्यादा उसको उकसाते हो दोस्तों, या ज़्यादा दोस्तों उसको परेशान जब करते हो, तो घर परिवार वालों जितना भी आदमी रहता है सब कोई लग जाता है परेशान करने, सब कोई लग जाता है दोस्तों दिक्कत करने, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा दोस्तों तरीका, थोड़ा थोड़ा सा दोस्तों जो विधि विधान है दोस्तों आप लोग नहीं करते हो दोस्तों, और लग जाते हो दोस्तों वीडियो देखने, मशान से कैसे कार्य करेंगे, मशान से क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो कैसे होगा सिद्धि, उसका मंत्र क्या है, किसके पास जाऊं, बहुत तरह का दोस्तों आप लोग का जो सवाल जो रहता है दोस्तों मन में दोस्तों गूंजता है कि कब मैं इससे इसको सिद्धि कर लूँ, या कब इससे मैं कार्य करूँ, ठीक है। तो आप लोग का जो समय है दोस्तों वो अब अभी समाप्त होने वाला है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों उसका जो विधि विधान है मैं बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। विधि तो कोई लंबा चौड़ा नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि छोटा सा एक प्रक्रिया मैं बता दूंगा, छोटा सा एक उपाय बता दूंगा दोस्तों, उतने से आपका जो भी कार्य दोस्तों उसको बोलेंगे दोस्तों वो करेगा, जैसा भी करेगा, बशर्ते बात जो हिसाब से मैं बोलूँगा वो हिसाब से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों देखो, तेली का खोपड़ी हो, ठीक है, या उसका हड्डी हो दोस्तों, जैसे खोपड़ी चंडमुंड भी बोला जाता है दोस्तों, ठीक है, जैसे ये हेड भी बोला जाता है दोस्तों, ठीक है, मुड़ी जैसे खोपड़ी बोला जाता है वो, या उसका जो नली होता है दोस्तों, या शरीर का जिधर का भी दोस्तों आपको एक नली होना चाहिए, ठीक है। तेली के है तो सही है, नहीं तो शेख सैयद तेली, ठीक है। जैसा मुसलमान हो गया दोस्तों, एक बनिया होता है दोस्तों, एक डोम का, ये तीन जाति का दोस्तों जो नली रहता है दोस्तों, खोपड़ी रहता है दोस्तों, बहुत चमत्कारी होता है दोस्तों कार्य करने में, माने सबसे नंबर वन में आता है दोस्तों वो तेली का, जैसे बनिया बोला जाता है उसको, ठीक है। उसका हड्डी हो या जो भी है दोस्तों, मान के चलो एक्सीडेंट लाकर मारा, एक्सीडेंट होकर मारा है, या आपका गुरु ने दिया है, और उसका विधि विधान, उसका तरीका, या उसका जो भी उसका भोग देने का जो सामग्री वो नहीं बताया दोस्तों, तो मैं सिर्फ मैं उसको खाने पीने को सामग्री वो देकर, वस्तु देकर दोस्तों, और उससे इच्छा के अनुसार से दोस्तों कार्य लेंगे, वो भी दोस्तों प्यार से उसको बोलेंगे, हर कार्य करेगा दोस्तों, ठीक है। तो आपके पास है तो सही है दोस्तों, आज जब नहीं है तो कहीं से आप व्यवस्था उसको कर सकते हो। बशर्ते बात देखो दोस्तों, जो तेली का जो खोपड़ी रहता है, या उसका नली रहता है, या उसका हड्डी रहता है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों उसका जो नाम रहता है आपको नाम पता होना चाहिए। मान के चलो नाम पता नहीं आपके पास, उसका नली या हड्डी है, ठीक है, हड्डी है या उसका खोपड़ी है, जो भी है दोस्तों, ठीक है, आप लोग जो भी अपने अपने भाषा में बोलते हो, तो सबसे पहले दोस्तों उसको क्या करना है, उसको खाने का चीज दीजिए। खाना के माध्यम से दोस्तों हर आपको कार्य करेगा, इसमें कोई ढोंग पकड़ करने का मंत्र है कोई जरूरत नहीं है, गुरु का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ बशर्ते बाद आपके पास एक शरीर बंधन करने वाला मंत्र होना चाहिए, क्योंकि उसका जो भोग होता है दोस्तों, जो शमशान है दोस्तों उसमें दिया जाएगा दोस्तों, और नहीं तो कोई वीरान जगह पर दोस्तों शाम के समय में दिया जाता है दोस्तों, सिर्फ शनिवार को दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। उतने से दोस्तों देखेंगे भोग सिर्फ उसको देंगे दोस्तों, ठीक है, जैसे मान के चलो एक हफ्ता में एक बार दे दिया, महीना में दोस्तों तीन या चार बार जब दे देंगे दोस्तों, एक से दो महीना के अंदर में दोस्तों आपका जो वो खोपड़ी है, वो मसान है दोस्तों, लग जाएगा आपके प्रति कार्य करने, जो भी कार्य करेंगे, ठीक है, चाहे झाड़ फूक करना चाहते हो, या किसी को भूत प्रेत का समस्या है, या कहीं पर आदमी बीमार पड़ गया है, या ज़्यादा आपको टॉर्चर कर रहा है दोस्तों, हर काम आपको करेगा, सिर्फ आप उसको खाने का चीज़ देना पड़ेगा। आप बोलेंगे खाने का चीज़ मैं क्या दूं, तो देखो वो आपका समर्थ के अनुसार है, ठीक है,
कितना आदमी रहता है तो माछ मछली नहीं खाता है, और कितना आदमी रहता है तो वो खाता है। तो खाने वाला आदमी जो रहता है तो देखो मछली दे सकते हैं उसको एक पीस या दो पीस सामर्थ्य के अनुसार जो दोस्तों, ठीक है, एक पीस या दो पीस मछली दीजिए, थोड़ा सा शराब दीजिए, एक दोस्तों एक या तीन दोस्तों जो सिगरेट होता है वो दे देंगे दोस्तों, ठीक है। अगरबत्ती दोस्तों 5 या 7 बालिए दोस्तों, दीपक जलाइए दोस्तों, चुपचाप शराब उराब देकर दोस्तों उसको उसके ऊपर रख दीजिए दोस्तों, वो रखा जाता है दोस्तों, ठीक है, या छोड़कर 5 मिनट हट जाता है दोस्तों। हटने में तो वो अपने जो बोलना है कि हे मसान बाबा, और नाम है तो बहुत मालूम है, नहीं है तो मसान बाबा ये आपका भोग मैं लेकर आया हूँ, ये भोग मेरा सब स्वीकार करिए, या मेरा जो भी कार्य मैं बोलता हूँ आपको वो कार्य करिए, जल कल्याण गांव समाज की रक्षा है। तो ऐसा बोलेंगे दोस्तों, देखेंगे दोस्तों आपको 1 महीने के अंदर में दोस्तों क्या होगा कि वो 3 बार या 4 बार दोस्तों शनिवार पड़ता है दोस्तों, उसी में दोस्तों आपका जो मसान है वो लग जाएगा कार्य करने, हर कार्य करेगा। क्योंकि शुरुआती समय में दोस्तों क्या होता है ना, मसान किसी के पास से अपने पास लेकर आया जाता है दोस्तों, या वो दे दिया रहता है, मान जब गुरुए हो गया दोस्तों, या कहीं से दोस्तों आप व्यवस्था कर लिए हो दोस्तों, ठीक है, या किसी को एक्सीडेंट लगा था उधर से आप मान कर चलो लेकर आए हो दोस्तों। तो उसको देखो आदमी जैसे मान कर चलो, समझाने के लिए मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, इंसान जब है दोस्तों तो उसको इधर उधर का मान कर चलो उसको कोई आदमी नहीं मिलेगा, खाने पीने का नहीं देगा दोस्तों, आप उसको बराबर लग जाएंगे टाइम से, टाइम टेबल से उसको खिलाने दोस्तों, तो आपके प्रति वो लग जाएगा आकर्षित होने दोस्तों, ठीक है, बोलेगा चलो मेरा ये सब 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 वही है, माँ बाप वही है, खाना खिला रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो भी सोचेगा आपके प्रति, ठीक है। मसान जो है होता है दोस्तों, तेलिया मसान हो या जो भी मसान है दोस्तों, तो इंसान के या साधक साधिका में साथ में रहना चाहता है दोस्तों, ठीक है, वो भी अपना जो नाम रहता है सुहर्त रहता है दोस्तों, वो लोग भी कमाने का सोचता है दोस्तों, ठीक है। तो एक पहले बात का ख्याल करिए दोस्तों, आप लोग बिना गुरु का बिना मंत्र का तेलिया मसान से हर कार्य कर सकते हो, बसरते बाद उसको खाना देना पड़ेगा। आदमियों के मान कर चलो कोई भूखा आदमी है, एक बार दो बार खिला दिया उसको, तो आपके साथ में लग जाएगा वो रहने, बोलेगा चलो फलना आदमी बहुत अच्छा आदमी है कि वो मुझे खिला पिला रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है दोस्तों। मंत्र का कब प्रयोग करेंगे दोस्तों, जैसे मान कर चलो मंत्र का तो इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों, जैसे शरीर बंधन वाला मंत्र में बोला, तो शरीर बंधन वाला मंत्र का जरूरत कब पड़ेगा, जैसे शनिवार को दिन शाम को समय में श्मशान में जाओगे तब, आ सुबह में चल जाओगे या मैंने 7 बजे से पहले दोस्तों आप लोग जाते हो तो मंत्र का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आ नहीं तो शाम के समय में कितना आदमी रहता है, सूर्य अस्त हो जाए या 7-8 बजे 11 बजे रात के जाते हैं, तो उन लोग के लिए दोस्तों क्या होता है कि मंत्र का बहुत जरूरी होता है उस समय शरीर बंधन करने वाला, क्योंकि मसान का जो शक्तियाँ होती है, नकारात्मक शक्तियाँ दोस्तों होती है, वो इंसान के ऊपर हावी होना चाहती है, अपना शिखार बनाना चाहती है दोस्तों, ठीक है, भूखा रहती है, प्यासी रहती है, ठीक है। मसान को मान के चलो वो देना जाओगे, तेलिया मसान या जो भी मसान आपके पास आए, तो वो भी शक्तियाँ बोली कि मुझे नहीं दे रहा, तो वो बदला मैंने बदला वो चुकाने के लिए दोस्तों आपको डिस्टर्ब करती है, परेशान करती है दोस्तों, ठीक है। तो यही बात है दोस्तों, आज के लिए मैं इतने में बताऊंगा दोस्तों, आप लोग का मैं बताया हुआ बात आप लोग का समझ में आ गया होगा, कैसे करेंगे क्या करेंगे। सिर्फ भोग दीजिए, एक बार विश्वास करिए आपका जो भी मसान है दोस्तों कार्य करेगा दोस्तों, जैसा भी झाड़ फूक वाला जितना भी कार्य वो करेगा, ठीक है। चले दोस्तों आज के लिए मैं इतने में बोलूंगा, अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अपन देसी ज्ञान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ जुड़ जाइए, जुड़ जाएंगे तो फैमिली और परिवार का तरह हो जाएंगे, आप बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का आपको जानकारी मिल सके। आ मेरा जो फेसबुक पेज है उसको भी दोस्तों, फेसबुक जो पेज है उसको भी लाइक और फॉलो करिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो भी बात जो मेरा फेसबुक पेज है श्री टायरी माई की जय, उसमें आप लोग विजिट करेंगे वो पेज का फॉलो करेंगे, इनबॉक्स में आकर एसएमएस करेंगे तो उसी समय आपको जवाब मिलता है या मिलता रहेगा दोस्तों, ठीक है। नंबर मान के चलो आज लग रहा है कल नहीं लगेगा, मान लीजिए कल भुला भी गया, वो जो फेसबुक जो पेज है दोस्तों कभी भुला नहीं सकता, नहीं कभी डिलीट हो सकता, एक पहले बात ये ख्याल करना, तो उस पर हमेशा के लिए दोस्तों आप लोग का कॉन्टेक्ट होता ही रहेगा, तो इसलिए दोस्तों, ठीक है। आ वीडियो दोस्तों देखो, वीडियो बनाने का मेरा इच्छा नहीं करता है, ठीक है, फालतू का वीडियो बनाने का मेरा इच्छा नहीं करना, मैं ऐसा मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोग का काम आएगा, आज नहीं तो कल। अभी सोच रहे हो चलो गुरुजी तो खाली काले जादू के मंत्र बता रहे हैं, मारण क्रिया बता रहे, ये क्या काम का, आज देखो सीख लो, ज्ञान है सीख लो, आज नहीं तो कल काम आएगा, एक पहले बात ख्याल करना,
ये जो वीडियो में बताया दोस्तों, जिसे मान के चलो सात्विक आदमी जो रहता है, जिसे कोई माछ मछली जब वो नहीं खाता है, उसके पास जो तेलिया मसान है दोस्तों, तो उसको भोग में वो क्या दे सकता है। जैसे मान के चलो उसको भोग में दे सकता है दोस्तों जो घुनसार का भूजा जो होता है दोस्तों, वो दे सकता है, चाना दे सकता है दोस्तों, ठीक है, सिगरेट दे सकता है, बीड़ी दे सकता है, ठीक है, शराब माने चलो हाथ नहीं लगाना चाहते हैं दोस्तों, शराब थोड़ा साइड में उसको रख दें, क्योंकि शराब उसको चाहिए चाहिए, ठीक है। तो ये सब प्रक्रिया है तो सात्विक तरीका से दे सकता है, नींबू का बलि उसको दे सकता है, जायफल का बलि दे सकता है, नारियल का बलि दे सकता है, फिर आपका जो कार्य है दोस्तों पूर्ण रूप से वो करेगा। माने जो माछ मछली खाता है, मदिरा सदिरा का सेवन करता है दोस्तों, उसके लिए जो तेलिया मसान है दोस्तों, वो तीव्र गति से और जल्द दोस्तों कार्य करके आएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वो लोग नासा में दोस्तों रहना चाहते हैं, नासा को सेवन करना चाहता है दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतने में बोलूंगा, अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और वीडियो जो पसंद है तो लाइक जैसा भी करिए, ठीक है, लाइक करेंगे मुझे भी इच्छा होगा कि गुप्त से गुप्त जानकारी आप तक पहुँचाऊँ। चले दोस्तों आज के लिए मैं इतने में बोलूंगा, अभी के लिए चलता हूँ, जय माता दी, जय हो टैरी माई।